हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है द थर्ड लेवल। गाइज, इसके राइटर हैं हमारे जैक फिने। अगर हम इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर हैं एंड मेन कैरेक्टर हैं हमारे चार्ली, जिनकी एज रही होगी 31 ईयर। एंड ये एक प्रोटैगनिस्ट भी हैं, साथ ही साथ ये पूरी स्टोरी के नरेटर हैं। वहीं पर सेकेंड कैरेक्टर हैं इनकी वाइफ लुइसा। थर्ड कैरेक्टर हैं एक साइकेट्रिस्ट जो चार्ली के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनका नाम है सैम। गाइज, जैसा कि इस चैप्टर का नेम है द थर्ड लेवल, पूरे चैप्टर में द थर्ड लेवल के बारे में ही बात की जा रही है। लेवल क्या है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। चार्ली कहते हैं कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल प्रेसिडेंट या फिर द न्यूयॉर्क, द हेवन, हार्ट फॉर रियल रोड्स, इन सबसे अगर पूछा जाए या कसम खिलाई जाए कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कितने लेवल हैं, तो ये कसम खाकर कह सकते हैं कि वहां पर दो ही लेवल हैं। बट चार्ली बताते हैं कि मैंने वहां तीसरा लेवल देखा है, और अगर ये बात मैं किसी और से कहूंगा तो कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा एंड वो मुझे पागल कहेगा। चार्ली कहते हैं, नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि इस चीज को लेकर मैंने अपने दोस्त सैम को, यानी एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया है। बट उसका मानना है कि शायद मैं जो हूँ वो अनहैप्पी हूँ, या फिर इस मॉडर्न दुनिया में प्यार की कमी होने के कारण, मतलब आजकल की दुनिया में हर इंसान मतलबी है। हम अपनी फैमिली के सिवा बाहर किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पर हम विश्वास कर पाएंगे या फिर वो हमें प्यार करेगा। इसलिए वो इस दुनिया से स्केप चाहते हैं, और उस स्केप के चक्कर में उन्होंने ग्रेट सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल अपनी इमेजिनेशन में ढूंढ लिया है। इस बात पर चार्ली आंसर करते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अनहैप्पी हैं, तो उन सब को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल दिखाई देता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ये सारी बातें चार्ली की वाइफ को पता लगती हैं, तो चार्ली की वाइफ को ऐसा लगता है कि इन सब का रीजन वो है, मतलब चार्ली की वाइफ है। बट सैम उनको समझाते हैं कि आप इन सब चीजों की वजह नहीं है, इन सब चीजों की वजह है ये मॉडर्न दुनिया। तभी चार्ली के जो फ्रेंड थे वो बताते हैं कि जब चार्ली स्टैम्प कलेक्ट करता है तो वो इतना ज्यादा खुश होता है एंड सारी दुनिया से बेखबर होता है। उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो उसे कुछ खबर ही नहीं होती, वो अपनी दुनिया में मस्त होता है और एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेता है। चार्ली कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, जो स्टैम्प कलेक्ट करने की हैबिट है वो मैं दुनिया से स्केप करने के लिए नहीं करता हूँ, वो मेरे ग्रैंडफादर से मुझे ट्रांसफर हुई है। अब तुम लोग कह रहे हो कि ये मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से हुआ है या फिर मैं सैड रहता हूँ, तो क्या मेरे ग्रैंडफादर भी सैड रहते थे? उस टाइम तो सैड रहने की कोई वजह भी नहीं थी एंड दुनिया इतनी मॉडर्न भी नहीं थी। वो एक प्रेसिडेंट रोजा वेल्ट के एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं ये हैबिट उनको भी है, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करती हैं, तो क्या वो भी रियलिटी से स्केप चाहती हैं? चार्ली प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अनहैप्पी नहीं है एंड ये सब कुछ स्केप करने की वजह से नहीं हो रहा है। चार्ली कहते हैं, अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। मैंने लेट नाइट तक काम किया था और मुझे अब घर जल्दी पहुंचना था, तो घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने सोचा बस से नहीं, मैं रेलवे स्टेशन में सबवे से चला जाऊंगा। सबवे का मतलब होता है रेलवे स्टेशन का एक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, जिससे वो जाना चाहते थे। चार्ली ने एक अच्छा सूट पहन रखा था, सिर पर हैट लगा रखी थी और आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे जब वो जा रहे थे। अब उन्होंने वॉन्डरविल अवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर बढ़ना शुरू किया। वो फर्स्ट लेवल पर पहुंचे तो फर्स्ट लेवल पर वो ट्रेन जाती थी जो शहर के अंदर केवल जाती थी। अब वो फर्स्ट लेवल से आगे बढ़े तो उन्होंने सेकेंड लेवल पर पहुंचे। सेकेंड लेवल पर सर अरवन ट्रेन जाती थी, मतलब वो ट्रेन जो शहर के बाहर जाती थी। अब क्योंकि चार्ली का जो घर था वो शहर से कुछ बाहर की ओर था, तो उन्हें वही ट्रेन पकड़नी चाहिए थी कि तभी चार्ली बताते हैं कि उन्हें एक आज रोडवेज दिखा जिसके अंदर वो गए और जाकर खो गए। चार्ली बताते हैं कि ये सब कुछ उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, वो 100 times इस रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि वो हर बार खो जाते हैं। वो बताते हैं कि जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आओ कुछ नए रोडवेज बन जाते हैं, कुछ नए कॉरिडोर्स बन जाते हैं, जिससे वहां पहचानना मुश्किल हो जाता है।
वो बताते हैं कि एक बार वो एक टर्नल में गए थे और उस टर्नल से जब निकले थे तो वहाँ पर एक होटल था। वो ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि लोग यहाँ पर आते हैं एंड सेंट्रल स्टेशन में आकर खो जाते हैं। वो सोचते होंगे कि वो दुनिया से स्केप चाहते हैं या फिर स्केप करने का एक रीज़न समझते होंगे, बट उन्हें ऐसा लगता है कि सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह है जिसकी ब्रांचेस बढ़ती ही जा रही हैं एंड वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। चार्ली बताते हैं कि सेंट्रल स्टेशन पर एक टर्नल है और उस टर्नल के बारे में कोई नहीं जानता। वो टर्नल एक स्टेशन पार्क की तरफ जाती है, शायद वो स्टेशन पार्क की तरफ जाती है। चार्ली का कहने का सीधा साधा सा मतलब था कि जो रेलवे स्टेशन है वो एक ट्री की तरह फैलता जा रहा है और उसके जो टर्नल हैं वो भी एक ट्री की तरह ग्रोथ करते जा रहे हैं। बट ये बात वो अपने दोस्त सैम को नहीं बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो सैम को ये सारी बातें बताएंगे तो सैम कहीं ना कहीं उन्हें पागल ही कहेगा, क्योंकि वो खुद एक साइकेट्रिस्ट है। अब गाइस, जैसा कि आपको पता है कि चार्ली एक गेट में घुसे थे और उस गेट में घुसने के बाद वो खो गए थे। अब चार्ली उस गेट में चल रहे होते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड को एंड वो देखते हैं कि वो अंदर को जा रहा है। तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है। उनके पैरों के सिवा वहां पर किसी के पैरों की आवाज नहीं थी और कोई भी साउंड वहां पर नहीं था। वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ वॉल्यूम सुनाई देती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आगे बहुत खाली जगह है और वहां पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं और इस चीज को देखने के लिए उन्हें पूरा का पूरा लेफ्ट घूमना पड़ता है। गाइज, आई होप इतना काफी हुआ। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की आगे की समरी के साथ। थैंक यू सो मच।